नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। राजधानी दिल्ली में मामूली बात पर झगड़ा, मारपीट या यूं कहे जान लेने की घटनाएं आम सी हो गई हैं। ताज़ा घटना पंजाबी बाग इलाके की है, जहां कृष्णा मार्ट के मालिक की शॉप के बाहर गाड़ी टच होने का झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उनकी जान पर बनाई। दूसरी तरफ के कई लोगों ने मार्ट के अंदर घुसकर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। आपको बता दें, घायल को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, तो चलिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीसीटीवी में कैद पिटाई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए कैसे एक युवक को कुछ लोग हाथ घूसों डंडों से पीट रहे हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है वो पंजाबी बाग स्थित कृष्णा मार्ट का मालिक अमित बत्रा है, जो बीती रात शॉप से बाहर निकलकर अपने स्विफ्ट कार से कहीं जाने के लिए निकला, तभी पीछे से स्विफ्ट कार पर आ रहे सिख युवक की कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद बहसबाजी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार अमित ने कार में नुकसान देखकर 4000 की मांग की, लेकिन सिख युवक ने 1500 दिए और ये कहते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया कि अगर ज़्यादा खर्च होता है तो बता देना, लेकिन अमित नहीं माना और बहस शुरू हुई और सिख युवकों ने कुछ और साथियों को बुला लिया और अमित को बुरी तरह पीटा। उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि अमित के भाई का आरोप है कि 15 लाख रुपए लूट लिए गए, जिसे पुलिस नकार रही है। मेरा नाम रोहित पत्रा है। जी, क्या हुआ था सर? ये रात को 8 सरदार तिलक नगर के सरदार में हमारी जानकारी की रात से 8 सरदार तिलक नगर के सरदार हैं, ये लोग आए और मेरे भाई को बहुत मारा पीटा, आप देख रहे हो जैसे वीडियो के अंदर, और बहुत ही बुरी तरह मारा। और मेरा भाई इस टाइम बहुत सीरियस है, इस हॉस्पिटल में, महाराजा अगर सैन हॉस्पिटल में। और मेरे भाई से हमारा सुपर मार्केट 37 कृष्णा सुपर मार्केट के नाम से स्टोर है दिल्ली के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर 11 आउटलेट हैं। तो भैया के पास 15 लाख रुपये थे, वो भी उन्होंने छीन लिए, वो लोग बहुत ही बुरी तरह पैसे की मुझे कोई कुछ नहीं, वो बहुत बुरी तरह मेरे। फिलहाल पुलिस ने कुछ युवकों को थाने में बिठाया हुआ है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन मामूली बात पर जानलेवा झगड़ा, ये बताती है कि दिल्ली वालों में कितना गुस्सा है। प्रतीक शर्मा, संजय शर्मा संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।